हे गाइस, तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ओमेगा रेंजर्स के ओरिजिन को एक्सप्लेन किया था, पर आज की वीडियो में हम लोग उनके पावर्स, एबिलिटीज, जॉट्स एंड मेगाजॉट्स को जानने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब रेक्स कॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओमेगा रेंजर्स बेसिकली किसी नॉर्मल रेंजर से ज्यादा ताकतवर थे, क्योंकि इन्हें यूनिवर्सल लेवल पर थ्रेट्स को हैंडल करने के लिए बनाया गया था। जहां पर ज्यादातर रेंजर्स सिर्फ अर्थ की प्रोटेक्शन करते थे, वहीं ये रेंजर्स पूरे यूनिवर्स की प्रोटेक्शन करते थे। इनके पास सुपर ह्यूमन स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस तो है ही, लेकिन इनके सुपर स्ट्रेंथ की पावर कुछ ज्यादा ही ताकतवर थी, जिससे ये बड़े बड़े थ्रेट्स को इजिली हैंडल कर लेते थे। एक बार लॉर्ड जेड ने डॉगी क्रू का जैसे दिखने वाले एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को माइटी मॉर्फिन रेंजर्स को मारने के लिए भेजा, और उसने टॉमी सहित पूरे माइटी मॉर्फिन रेंजर्स की बैंड बजा दी थी। लेकिन जब ये बात ओमेगा रेंजर्स को पता चली तो वो तुरंत अर्थ पर आए और बहुत ही इजीली उसे डिफीट कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने लॉर्ड जेड तक को भी नहीं छोड़ा। उसके महल में घुस करके ओमेगा रेंजर्स ने उसे खूब पीटा और उसे बहुत ही आराम से एक बॉक्स में कैप्चर करके अपने बेस में रख दिया, जैसे उनके सामने उसकी कोई औकात ही नहीं है। इससे आप लोगों को तो अंदाजा लग ही गया होगा कि ओमेगा रेंजर्स कितने ज्यादा ताकतवर हैं। इन सभी चीजों के अलावा हर एक ओमेगा रेंजर के पास नेचर के एक एलिमेंट की पावर है। रेड रेंजर के पास फायर एलिमेंट की पावर है, ब्लू रेंजर के पास वाटर एलिमेंट की पावर है, ब्लैक रेंजर के पास विंड एलिमेंट की पावर है एंड येलो रेंजर के पास अर्थ एलिमेंट की पावर है। तो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं इनके वेपन्स की। तो रेड रेंजर के पास है ओमेगा हैमर, ब्लू रेंजर के पास है ओमेगा ट्राइडेंट, ब्लैक रेंजर के पास है ओमेगा कमैस एंड येलो रेंजर के पास है ओमेगा हैमर। अब भले ही बाकी रेंजर्स की तरह ये अपने वेपन्स को आपस में कंबाइन ना कर सके, लेकिन फिर भी इनके पास एक स्पेशल मूव है जिसे ओमेगा स्ट्राइक कहा जाता है। बेसिकली इस मूव में दो रेंजर्स अपने पंचेस को आपस में ज्वाइन कराते हैं और फिर येलो ओमेगा रेंजर अपने ओमेगा हैमर से उस पर स्ट्राइक करती है, जिससे एक बहुत ही पावरफुल सॉकवेव जनरेट होती है, जिसके रेंज में आने वाले सारे एनिमी नॉकआउट हो जाते हैं। अब बात करें इनके ओमेगा मॉर्फ्स की, तो एक येलो कलर का गाउंटलेट है जिसके ऊपर ओमेगा रेंजर्स का सिंबल बना रहता है एंड उसके बीच में एक स्टोन जड़ा रहता है। ये मॉर्फ्स मिलियन ऑफ द ईयर्स पुराने हैं और इनका क्रिएशन काफी हाई लेवल एडवांस साइंस एंड मैजिक को मिलाकर किया गया था, और कहा गया था कि इनका इस्तेमाल तभी किया जाए जब हालात बद से बदतर हों। अब फाइनली गाइस, हम बात करते हैं इनके जॉट्स की। ओमेगा जॉट्स यूनिवर्स की सबसे ओल्डेस्ट क्रिएशन में से एक हैं, और इन्हें भी काफी हाई लेवल एडवांस एलियन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। ये जॉट्स दिखने में और साइज में एक मेगाजॉट जितने बड़े हैं, और ओमेगा रेंजर्स की सिर्फ जॉट्स ही अकेले बाकी रेंजर के मेगाजॉट से ज्यादा ताकतवर हैं। जब डेन ने अर्थ पर अटैक किया था तो उसने अकेले ही टाइगर मेगाजॉट और थंडर मेगाजॉट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जहां पर टाइगर मेगाजॉट और थंडर मेगाजॉट मिलकर भी उसे एक खरोच तक नहीं दे पा रहे थे, वहीं ओमेगा जॉट्स ने उसे बहुत ही आराम से डिफीट कर दिया था। सोचिए गाइस, ये तो अभी जॉट्स हैं जो इतने ताकतवर हैं, इनका मेगाजॉट फॉर्मेशन न जाने कितना ताकतवर होगा। लेकिन कॉमिक्स में अभी तक हमें इनका मेगाजॉट फॉर्मेशन नहीं दिखाया गया है। अब ऐसा नहीं है कि इनका कोई मेगाजॉट फॉर्मेशन है ही नहीं, इनके पास मेगाजॉट फॉर्मेशन है, कॉमिक्स में हमें ऐसा बताया भी गया है, लेकिन अभी तक वो हमें देखने को नहीं मिला है। हर एक ओमेगाजॉट्स में स्पेस में ट्रेवल करने के लिए थ्रस्टर्स लगे हुए हैं, और साथ ही इन जॉट्स में टेलीपोर्टेशन सिस्टम भी है। इन जॉट्स की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इनके पास नेचुरल अडेप्टेशन की पावर है, जिसकी मदद से ये किसी भी जॉट्स के साथ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, चाहे वो कोई भी जॉट हो। और ये हमें तब देखने को मिला था जब टॉमी और जेसन ने अपने मेगाजॉट्स को कंबाइन करके रेड टाइगर मेगाजॉट को फॉर्म किया था। इसके अलावा वो लोग अपने चेस्ट से एनर्जी ब्लास्ट तक फायर कर सकते हैं। ओमेगा रेंजर के पास एक बड़ी सी स्पेसशिप है जिसका नाम है स्पेक्ट्रम 2, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज ट्रेवल कर सकती है, और ये सिर्फ ओमेगा रेंजर के जॉट्स के साथ भी कंबाइन हो सकती है, जिससे वो लोग एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट कर सकते हैं जिसका नाम है ओमेगा स्पेक्ट्रम ब्लास्ट, जो कि इतना पावरफुल है कि उससे एक पूरे प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब हम लोग हर एक जॉट के कुछ खास फीचर्स पर आते हैं जो कि सिर्फ वही कर सकते हैं। तो रेड रेंजर को ओमेगा जॉट फ्लेम थ्रोवर, फायरबॉल और एनर्जी शील्ड्स क्रिएट कर सकता है। ब्लैक रेंजर का मेगाजॉट हाई बॉल इलेक्ट्रिसिटी और ट्विस्टर्स जनरेट कर सकता है। इसके अलावा बाकी दो जॉट्स का कुछ खास फीचर अभी तक कॉमिक्स में हमें नहीं देखने को मिला है।
सो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को बनाते रहने का। जितना अच्छा रिस्पांस इस वीडियो को मिलेगा मैं उतनी ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।